ये इसमें शामिल कर दें, ये भी इसमें शामिल कर दें, गाले मुकान लगे हैं। लड्डू की शेप देने, इसको जिस साइज का पसंद करते हैं उस साइज का बना लें, यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है। फिर इस तरीके से ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। काफ़ी अरसे से मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर्दियों का सीज़न आ रहा है, अलसी के लड्डू किस तरीके से तैयार होते हैं, मुकम्मल गाइड कर दें। मेरे भाइयों, शॉर्ट तरीके से मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा, विदाउट स्किप की एंड तक देखिएगा मैं क्या क्या आपको टिप्स देने वाला हूँ। अलसी के लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन ले लें। ये मैंने अलसी ले ली, ये मार्केट से जहाँ से बीज वगैरह मिलते हैं वहाँ से ये बासानी मिल जाती है, और ये तकरीबन 160 रुपए केजी इसका रेट होता है, ठीक है, हमारे इलाके के हिसाब से। इसके लड्डू वो सर्दियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ये नहीं होने देता, पूरे जिस्म को एक्टिव रखता है इसके लड्डू खाने से। अक्सर लोग इसके लड्डू सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। ये इसमें शामिल कर दें, एक पाव है 250 ग्राम, समझ आ गई गल दी। ये मखाना आप जिसे कहते हैं, ये देखें इस तरीके का मीठा, ये मार्केट से मिल जाता है मखाना के नाम से, या आप कोई भी नाम इसे दे सकते हैं, ये देखें इस तरीके से, ये 100 ग्राम ये है, ये भी इसमें शामिल कर दें। गाले मुकान लग गए हैं, फ्लेम को ऑन कर लें और तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, ठीक हो गया। फ्राई करने के बाद 4 मिनट फ्लेम को बंद कर दें, कलर देखें अलसी ने चेंज करना शुरू कर दिया है, और ये इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि इसका अंदर से नमी ना रहे, ताकि हम इसको जब ग्राइंड करें तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, ठीक हो गया, और ये टेस्ट भी अपना निकाले जो है ना इसको फ्राई करने से। इसके साथ का मिक्सी का जार ले लिया, टेंशन ही नहीं है, इसमें डाल दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ग्राइंड करना है हमने, ठीक हो गया। इसके ऊपर कवर लगा दें, इसको यहाँ पे मशीन पे ले आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहे जी, तकरीबन मुझे 1.5 मिनट लगा इसको मिक्सी में। ये देखें इस तरीके से, ये इस फॉर्म में हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ गए मखाने भी, और ये जो है ना अलसी भी, ठीक हो गया। इसको साइड कर दें, इसके साथ का एक पैन ले लें, इस पैन को अच्छे तरीके से साफ कर लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे रख दें। ये मेरे पास गुड़ है, 100 ग्राम गुड़, ठीक हो गया, शामिल कर दें। कुछ लोग शुगर चीनी में भी बनाते हैं, वो भी ठीक है, गुड़ में इसका असल जायका गुड़ में आता है, जो लोग शुगर में बनाना चाहते हैं वो शुगर में बना लें। तो ये 100 ग्राम हमने इसमें गुड़ डाल दिया, 2 से 3 घूंट पानी के थोड़ा सा, ये इतना सा बस, फ्लेम को ऑन कर दें। हमने इसका एक तार का शीरा तैयार करना है, ठीक हो गया। ये ले जी, ये ले जी, शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये एक तार बनती है, देखें ये देखें, यहाँ चिप चिप कर रहे हैं, बीच में से एक तार निकलती है, देखें ये, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद करते हैं, ये ना जी, ये अलसी और मखाने जो हमने ग्राइंड किए थे इसमें डाल दें अच्छे तरीके से, ठीक हो गया, साफ कर लें अच्छे तरीके से। 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी, इस तरीके से मैंने उनको बारीक पीस लिया, शामिल कर दें। ये 4 मगज़, ठीक है, 50 ग्राम शामिल कर दें, या जितना आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किशमिश थोड़ी सी, 2-3 टेबल स्पून शामिल कर दें, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। अब ये जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें इस तरह। ये ले जी, सिंपल शीरा उठाएं, इसको अच्छे तरीके से छान के इसमें शामिल कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से, ताकि ये जो गुड़ के अंदर कचरा वगैरह होता है ना ये ऊपर ही रह जाए, ठीक हो गया, शामिल कर दिया। अब ये बहुत जल्द जो है ना सेट होने लग जाता है, मकसद है कि हार्ट की तरफ चला जाता है, इसको इस तरीके से आराम आराम से मिक्स करें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, ये देखें इस तरीके से। ये जी, अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको हमने मिक्स कर लिया, यक जान कर लिया इस तरीके से, ठीक हो गया। अभी ये देखो इस तरीके से, इस प्रोसेस में आपने लेट नहीं करना,
और जो मैंने चार मगज शामिल किए, कुछ लोग इसके अंदर बादाम भी कटे हुए डालते हैं वो भी ठीक है, कोई भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, यानी जिस तरीके से ये कुकिंग ऑयल है हाथ पे लगा लें इस तरीके से, ताकि आपके हाथ को ना चिमड़े, अच्छे तरीके से हाथ को लगा लें, इस तरीके से उठाएं, लड्डू की शेप दे लें इसको, जिस साइज का आप पसंद करते हैं उस साइज का बना लें। ये देखें इस साइज के, इस तरीके से कर लें, फिर यहाँ पे ला के इसको गोल कर लें इस तरीके से। ठीक हो गया, ये देखें ये लेके, लेकिन इसको आपने ये प्रोसेस करना फटाफट से है, देर नहीं लगानी इसमें। ठीक हो गया, यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है, फिर उठा लें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से उठा लें इसको, हल्का सा ऑयल अगर चिपकने लगे तो ऑयल लगा लें, फिर इसको दबा लें इस तरीके से, दबा के इनको इस तरीके से, फिर यहाँ पे इनको गुलाई में लें इस तरीके से, ये देखें ये गोल हो जाएंगे, कोई मसला भी नहीं है, ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया, फिर ऑयल लगा लें हल्का सा, चस्के तैयार हैं ने सर्दियाँ के आइटम तैयार हैं ने। आप कहेंगे कि मैंने आपको अलसी के लड्डू बना के दिखाए हैं, इस तरीके से मैं सारे तैयार कर लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये जी सारे लड्डू हमने तैयार कर लिए इस तरीके से, इनको आप बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होते। ठीक हो गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ये ख़राब नहीं होंगे, इस तरीके से आप इसको बना करके रख सकते हैं, बहुत प्यारे कमाल के। ये देखें किस तरीके से इनका जो है ना टेस्ट रिजल्ट, खुशबू इनकी आ रही है बहुत ज़बरदस्त। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने तैयार करके दिखाई है, अलसी के लड्डू किस तरीके से तैयार होते हैं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, अलसी के लड्डू जो हमने आपको बताए हैं सर्दियों का गिफ्ट दिया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें। मेरे भाइयों दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।